गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग त्यागी जी। बढ़िया सर। मनीष जी गुड मॉर्निंग। मनीष जी जरा बिजी हैं अपना वो क्या बोलते हैं साइकिल चलाने में नहीं क्या स्कूटर चलाने में नहीं। अच्छा ठीक है ओके नो प्रॉब्लम। मनीष जी का आवाज नहीं आ रहा। मनीष जी को मुझे लगता है कि आवाज बीच में ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। आवाज ज्वाइनिंग करेंगे तब आवाज आ पाएगा। उसके बिना आवाज मुझे लगता है नहीं आ पाएगा उनका। आवाज वाला बटन मनीष जी का ऑफ है। वो माइक जो है वो म्यूटेड है उनका। क्या है त्यागी जी? बढ़िया सर। और त्यागी जी क्या क्या नया चल रहा है आपका? कल जिस आदमी के पास गए थे वहां पर काम आपका बन गया? हाँ हो गया। चलो अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई आपको। आपका फाइनली वहां पर काम बन पाया। हरिराम जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। के हिसाब से हमने जो है टाइमिंग आज इसके हिसाब से थोड़ा सा बदल दिया है। आपने कल बोला था ना कि टाइमिंग थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए। जी सर। तो हरिराम जी आपकी जो कल आपने रिक्वेस्ट किया था उसके हिसाब से टाइम हमने आज बदल डाला है। ठीक है अब तो आप हरिराम जी। हरिराम जी अब तो आपको आसान हो गया ना? अब तो नहीं है जी सर। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा अच्छा वेलकम वेलकम। हम तो देखिए हमारी कोशिश है कि जो है टाइमिंग ज्यादा से ज्यादा साथियों को सूट करना चाहिए। कोई भी साथी पीछे छूट ना जाए तो हमारे सारे साथी मिलजुल कर साथ में चलें तो बढ़िया लगेगा। और आप कल की बारे में कुछ बताना चाहेंगे आपकी? जी हरिराम जी आपकी कल की क्या क्या एक्टिविटीज रही? कल किसी से बात हुआ या नहीं हुआ? किसी से कॉन्टेक्ट हुआ? मीटिंग हुआ या नहीं हुआ? तो क्या आप कल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हरिराम जी? कल बात हुई थी मगर मुझे कोई मिलेंगे संडे के लिए बोला उन्होंने। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। संडे के लिए मिलना अच्छी बात है। आप संडे के लिए अपनी डायरी में नोट करके रख लीजिए। लेकिन संडे में मिलने में ना एक खतरा है। खतरा क्या है कि यदि हम किसी सिर्फ एक कस्टमर के ऊपर डिपेंड होकर बैठ जाते हैं ना तो पता लगता है उसमें यदि हल्का सा भी कुछ डामाडोल हो गया हल्का सा भी कुछ आगे पीछे हो गया ना तो फिर हमारा वो ट्रॉफी जो है वो बेचारा लटक जाता है। बस यही थोड़ा सा समस्या है और कोई समस्या नहीं। मतलब एक्चुअली क्या है किसी एक पर निर्भर होके जो बैठने वाला है ना जो डिपेंडेंस जो है जो निर्भरता जो है निर्भरता के द्वारा हो जाता है खतरा। सिर्फ इतनी सी समस्या और कोई समस्या नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने डिसीजन लिया कि मान लीजिए हमको ट्रॉफी करना है तीन पॉलिसी में या तो हमको जैसे गणतंत्र दिवस वाला अशोक स्तंभ वाला रिपब्लिक डे का ट्रॉफी मान लीजिए हमको क्वालिफाई करना है तो क्या है कि मान लो एक आदमी कहता है संडे। अब लास्ट मोमेंट तक क्या होता है जिस भी चीज का हम इंतजार करते हैं वो लास्ट मोमेंट पे ना आखिरी मोमेंट पे अटकने के चांस रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका ट्रेन पकड़ना है अभी हम स्टेशन पे पहुंचे आखिरी मोमेंट अब वो ट्रेन छूटने का चांस रहता है। आखिरी दिन में इनकम टैक्स रिटर्न भरना है वो छूटने का चांस रहता है। आखिरी दिन में फोन का बिल भरना है बिजली का बिल भरना है ना। मतलब कोई भी चीज है जो हम आखिरी मोमेंट पे यदि टाल दिया तो वो गए काम से। क्या होता है कि हम पहली बात तो आज से लेकर और उतने दिनों तक फालतू में उसके बारे में सोचते रहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी करना है करना है करना है करना है और आखिरी में जाके वो अटक जाता है। तो इसलिए क्या होता है समझदार व्यक्ति क्या करते हैं हर एक काम को ना तुरंत कर डालते हैं तुरंत। तो उसका फायदा क्या होता है कि भाई उसके बाद हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। जी सर। तो हमें ना और किसी को ढूंढना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ट्रॉफी क्वालिफाई करनी है भले ही आप एक ही नाम से तीन पॉलिसी करें भले ही आप मिनिमम प्रीमियम 300 रुपए की भी पॉलिसी करें उसमें भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ आपका ठीक ठाक प्रीमियम हो तो सभी को अच्छा भी लगेगा। लेकिन फिर भी ट्रॉफी आप जाने ना दें घर में देखिए सभी मेंबर्स को अच्छा लगेगा जिंदगी भर आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा आइटम क्वालिफाई किया था। ये आपको अच्छा लगेगा ये आपको बढ़िया लगेगा ना जिंदगी भर इसका यादगार रहेगा। ये थोड़ा सा आपको मजा आएगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया। सर सर 300 रुपए में कौन सी पॉलिसी करेंगे? 300 रुपए महीने में कौन सी पॉलिसी करेंगे? सकते हैं हाँ जी पैकेज आप बना सकते हैं या तो आप ऐसा कर सकते हैं पैकेज आप 933 का पैकेज आप बना लीजिए जीवन लक्ष्य
दो जीवन लक्ष्य का जो पैकेज है आप उसके अंदर तीन अलग अलग टर्म्स दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए 933, 20, 19, 18, 18, 19, 20, तीन बार कस्टमर को पैसा मिलेगा। ऐसा करके एक पैकेज के लिए हम सजेशन दे सकते हैं, कस्टमर को बोल सकते हैं कि सर देखिए ये वाला पैकेज के अंदर ना आपको तीन बार पैसा मिलेगा। ऐसा करके हम सुझाव दे सकते हैं, करना ना करना कस्टमर की मर्जी है, हमें जबरदस्ती किसी भी कस्टमर के साथ नहीं करनी है। हम जब भी करें कस्टमर का फायदा होना चाहिए, लेकिन कस्टमर के साथ आपका भी प्रॉफिट क्वालिफाई हो जाए तो आपको भी अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। ठीक है कि नहीं है? छह आप करते हैं तो जी सर, थैंक यू। जो सीनियर डिवीजन मैनेजर है उनकी तरफ से वो स्पेशल दिल्ली डिवीजन के अंदर, दिल्ली डिवीजन 2 लक्ष्मी नगर के अंदर स्पेशल आपका फंक्शन रहेगा रिपब्लिक डे पर, वहां पर आप ऑनरिंग करेंगे। जी थैंक यू सर। और कुछ आपका कल का कुछ और एक्टिविटी रहा? किसी को बात किया, किसी को मीटिंग किया, किसी को आपने पर्चा बांटा, किसी को आपने व्हाट्सएप पर पॉलिसी समझाया, कुछ आपने क्या एक्टिविटी कुछ और कल का रहा? और एक सर मानिस सर बात और हुई है तो वो 5 तारीख को आएंगे। बढ़िया इधर, अच्छी बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनीष जी गुड मॉर्निंग। मनीष जी मुझे लगता है कि उनका आवाज नहीं आ रहा है, उनका जो आवाज है उसको कनेक्ट करने की जरूरत है। मनीष जी का जब तक आवाज कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक उनका आवाज आ नहीं पाएगा, तो खैर जब तक मनीष जी का आवाज आता है कोई बात नहीं, जब आएगा तब आएगा। सिन्हा साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल सिन्हा साहब? आवाज आ रही सर अब? ठीक है सर। हाँ अभी आ रही है आवाज, बढ़िया आ रही है आवाज, बहुत शानदार। अरे सर मनीष जी आप मुझे लगता है मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मॉर्निंग वॉक के अंदर मतलब आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? ये बड़ा खुला खुला सा आपने पहन रखा है मॉर्निंग वॉक में, तो थोड़ा नहीं सर सर्दी के है ना, सेफ्टी का थोड़ा सा। अच्छा चलो आप देख लीजिएगा जैसे भी आपको ठीक लगे, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ऐसा है ना सर्दी वाला। ठीक है बढ़िया। मनीष जी कल आपका यूनिट लिंक प्लान का वहां पर दिल्ली डिवीजन 2 के अंदर वहां पर जीवन प्रगति बिल्डिंग में आपका कल ट्रेनिंग था 4th मंजिल पर, तो कल आपको वहां से क्या क्या फायदा हुआ, क्या क्या अच्छा लगा आपको वहां? सर एक तो ये था कि इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं थे और अच्छा? पहली बार इस तरह से महसूस हुआ कि भाई जो अपना 40 करोड़ का था तो 78 करोड़ का और प्राइवेट कंपनी का 27,000 करोड़। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। लास्ट ईयर का LIC का ये सर 78 करोड़ ओनली, पिछले फाइनेंशियल ईयर का। ठीक बात है, पिछले फाइनेंशियल ईयर का, बिल्कुल ठीक है। और हम जी इसमें ये सोच के भी कमीशन कम है इसलिए बेचते थे मोस्टली, तो लेकिन हाँ। पता चला कि जो एवरेज प्रीमियम है इसमें तो बहुत ज्यादा आता है। हाँ इसमें एवरेज ज्यादा आता है, ये बात तो है सर। उसमें 15,000 रुपए एवरेज प्रीमियम है, इसमें 50,000 रुपए प्रीमियम एवरेज आता है। ये तो है, तो बात है, ये बात तो है। कमीशन लगभग उतना ही पड़ जाता है लास्ट में, फिर अगर देखा जाए उतना नहीं पड़ता। अच्छा अरे पड़ जाता है सर। अरे नहीं पड़ता, हमें भी बहुत बड़ा तजुर्बा इस बात का। 8 करोड़ प्रीमियम लाओगे तो उतना ही पड़ जाएगा, छोटे-छोटे लाओगे तो नहीं पड़े। पता प्राइवेट सेक्टर की सारी कंपनियां 12.5% कमीशन देती है उस पर। ऐसा है त्यागी जी, ऐसा नहीं है, 12.5% कमीशन वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता दूं आपको, उसकी वजह यह है क्योंकि इसके अंदर ये 12.5 पर जो कारण है ना, ये कई साल पहले हुआ करता था, आज से 8-10 साल पहले वो सब चक्कर चलता था 12.5% कमीशन वाला, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इनको उसकी वजह है क्या सर, ये भी बता दो कि 12.5 मिलता है, एक ही बार मिलता है बस। नहीं एक और भी वजह है, ये 12.5 जो है कई साल पहले मिला करता था, अभी नहीं है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि ये IRDA ने कैप लगा रखा है कि आपका जो किसी भी यूनिट लिंक प्लान के अंदर खर्चा है वो इतने परसेंट से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से 12.5 नहीं है। फिर तो उसका जो मोटिव है वही खत्म हो जाएगा जी। आपका भी जो यूनिट लिंक का प्लान है उसके अंदर 7.5% कमीशन है, 7.5% आप न्यू एंडोमेंट प्लस प्लान के अंदर देखें, आप अलग अलग प्लान के अंदर जी। और मनीष जी तो सर उसका मोटिव खत्म हो जाएगा अगर उतना देने लगे, 12.5 देने लगे मोटिव खत्म हो जाएगा। और आप दूसरी बात इसके अंदर ये भी देखिए यूनिट लिंक के अंदर कि उसके अंदर एवरेज प्रीमियम ठीक है भले ही ज्यादा है,
एग्रीड, एवरेज प्रीमियम ज्यादा है, लेकिन नीड बेस्ड सेलिंग आप उसमें करिए। नीड बेस्ड का मतलब कुछ एक लोग हैं वो कहते हैं नहीं हमें तो यूनिट लिंक ही पसंद है। कस्टमर के सामने आप दोनों चॉइसेस रखिए, हमारा काम क्या है कस्टमर के लिए बेस्ट प्लान देना। दोनों चीजें आ जाती है सर, इन्वेस्टमेंट भी और इंश्योरेंस भी। जी इंश्योरेंस में जीवन लाभ जीवन लक्ष्य दे दो और इन्वेस्टमेंट में ये दे दो यूनिट लिंक। ठीक है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया ठीक है। और क्या अच्छा लगा आपको कल वाले प्रोग्राम में? और सर ये पता चला कि भाई कितना मार्केट में कितना में पैसा पड़ा है जो हम ला सकते हैं जो प्राइवेट कंपनीज पे जा रहा है इस टाइम 27,000 करोड़ जा रहा है जो लगभग बैठता है 700 करोड़ के लगभग कमीशन बैठता है वो उधर जा रहा है। तो इस बार हमारा भी बड़ा है 400 करोड़ हुआ है 78 करोड़ से। बिल्कुल ठीक है तो 400 करोड़ को 4,000 करोड़ पे लेके जाना नेक्स्ट ईयर तक। ठीक है ठीक है बढ़िया। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा ये मैटर करता है सर। जी ठीक है बढ़िया। तो मनीष जी इस वाली मीटिंग के लिए आपको इनविटेशन किस तरीके से आया था? ये सर बीएम सर का कॉल आया था। जी तो इसका मतलब आपका नाम इसके लिए स्पेशल सिलेक्शन किया गया क्योंकि मुझे लगता है शायद हमारी टीम में से किसी और को तो कॉल आया नहीं था। और मेरे को आलोक जैन ने परसों बताया था, आलोक जैन के लिए इन्विटेशन था। आलोक जैन जडम क्लब मेंबर है, आप आलोक को जानते हैं? यस सर। है ना, तो परसों आलोक जैन का पता लगा था कि आलोक के लिए इन्विटेशन है। इसका मतलब कि सबके लिए इन्विटेशन नहीं था, जो भी टॉप एजेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल आप नंबर ऑफ पॉलिसीज में हमारी टीम में नंबर 1 चल रहे हैं, तो ये इन्विटेशन अकेले आपके लिए आया था और किसी के लिए नहीं आया था। अब आलोक जैन ने मना कर दिया कि नहीं मेरे को जाने में उसका कुछ प्रॉब्लम था जाने का, तो आलोक ने मना कर दिया। आप यदि वहां पर, मुझे लगता है कि शायद आपने यदि वहां पे नजर घुमा के देखी होगी तो आपकी मतलब आपके टक्कर के सारे एजेंट होंगे वहां पर, जितने भी जैसे नंबर ऑफ पॉलिसी आपकी कितनी मेरे ख्याल से 68 या 69 हुई है। यस सर। है ना शायद, तो मुझे लगता है सारे के सारे वहां पर मतलब इसी लेवल के होंगे 60, 70, 80, 90, 100, 200, 500 पॉलिसी करने वाले। यस सर। क्योंकि डिवीजन ऑफिस की भी लिमिट है उस वाले हॉल के अंदर, 50-60 से ऊपर बुला नहीं सकते, कोविड का भी थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा उसका भी प्रिकॉशन करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि वो लगे 40 थे टोटल। हाँ जी, दो ब्रांच के मिला के 40 थे, 123-126 के मिला के 123 और 126 के। इसका मतलब कि उन्होंने जो टॉप के 40 एजेंट है उनको बुलाया था। यस सर। नंबर ऑफ पॉलिसीज में जो भी टॉप, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने सबको नहीं बुलाया भाई, डिवीजन ऑफिस स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। अच्छा आपको महसूस कैसा हुआ वहां अटेंड करके प्रोग्राम, महसूस अच्छा कैसा लगा आपको? ये लगा सर कि भाई इसके बारे में तो आज तक इतना गहराई से सोचा ही नहीं था कभी, इस बारे में कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया था। और ये तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही जबरदस्त लगा भाई, ये तो मतलब इस पे तो फोकस करना बहुत जरूरी है। और अब पता चला कि हम नहीं कर रहे हैं तो कोई और बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ही जबरदस्त कर रहा है। ठीक बात है, बहुत ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कस्टमर को हम नहीं बताएंगे, कोई ना कोई तो बताएगा। अच्छा कस्टमर को जो बताएगा कस्टमर तो उससे कर लेगा। और यस सर, और जो मैंने उसमें सीखा था राजेश टैगोर जी वाले में, तो वही चीज इसमें अप्लाई होती है कि कोई प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना है, बाकी तो अपने आप होगा सब कुछ, कि कितनी प्रेजेंटेशन डेली होनी चाहिए। हाँ हाँ, बाकी तो ठीक है, बाय प्रोडक्ट है बाकी तो सब। तो और जो वहाँ पे कह रहे थे सर वो भी बहुत जबरदस्त लगा कि भाई एमडीआरटी के पीछे भागते रहते हो पागलों की तरह, इजी तरीके से करो, लड़के रख के करो अपना काम, सिर्फ फोकस करो प्रोडक्टिविटी के ऊपर, फालतू के सर्विसिंग के ऊपर फोकस मत करो, उसके लिए लड़के रखो। और दूसरी बात नहीं होता एमडीआरटी मिलता क्या है, 8-9 लाख मिलता है, उसमें कुछ नहीं होने वाला। अगर बढ़िया लाइफ स्टाइल जीनी है तो उसके लिए तो प्योरिटी प्योरिटी कम से कम। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आपके मुकेश जोशी जी ने भी अनाउंस किया है, एक टीओटी का कोर्स अनाउंस किया है, ओनली फॉर टीओटी। जो लोग टीओटी हैं सिर्फ वही लोग आ सकते हैं, या तो जिनको टीओटी बनना है सिर्फ वही आ सकते हैं। उसमें उन्होंने स्लोगन दिया है कि बहुत हो चुका है एमडीआरटी, बहुत हो गया यार, अब तो एमडीआरटी ढेर सारे हो गए, 16,000 एमडीआरटी लास्ट ईयर क्वालिफाई हुए हैं, अभी तो भाई टीओटी का टारगेट करेंगे।
एक मुकेश जोशी जी ने भी आईओई में एक प्रोग्राम अनाउंस कर रखा है, मैंने पोस्टर आपको भेजा है उसका। बढ़िया, तो अच्छी बात है, क्योंकि आप नंबर वन थे टीम के अंदर, क्योंकि आप दोनों ब्रांच में 123 और 126 मिला के टॉप क्वालिफायर्स के अंदर, पॉलिसीज के अंदर, टॉपर्स के अंदर से आते हैं मनीष जी, तो इसकी वजह से स्पेशल आपको डिवीजन ने, डिवीजन ऑफिस ने स्पेशल आपको याद किया। तो मैं बाकी भी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है अपना परफॉर्मेंस कम से कम इस लेवल तक लेकर आए कि हाँ डिवीजन ऑफिस आपको याद कर सके, क्योंकि डिवीजन ऑफिस डेफिनेटली हर किसी को बुलाने वाला तो है नहीं। अब यदि उन्होंने टॉप के 40 लोगों को बुलाया है तो टॉप के 40 के लिए टॉप के 40 में आना जरूरी है, सबसे पहले हम टॉप के 40 में आए तो जिसकी वजह से हमें वो लोग बुला सके। सो मनीष जी, और ये जो राजेश टैगोर वाला आपने बुलाया, जो जो बताया आपने, तो पिछले सोमवार को राजेश ने बताया था कि हाँ रोज का 5 मीटिंग यदि आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली यार आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, आपका MDRT भी हो जाएगा, COT, TOT, टॉपर, क्लब मेंबर सब हो जाएगा। सिर्फ 5 मीटिंग रखना है, 5 मीटिंग जो रखना है वो 5 मीटिंग के लिए आप कहीं भी रख सकते हैं, उसके लिए स्पेशल आपको दिल्ली में होना जरूरी नहीं है, उसके लिए आप दिल्ली में हो सकते हैं, दिल्ली के बाहर हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, हर जगह 5 मीटिंग किया जा सकता है। और कोई एक्टिविटी आप अपनी शेयर करना चाहेंगे मनीष जी? और कोई एक्टिविटी आज एक्टिविटी होगी सर, कल शेयर करूंगा उसके लिए। बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है। चार पॉलिसीज आपकी हो चुकी हैं मनीष जी, और रिपब्लिक डे ऑनरिंग के लिए, जो रिपब्लिक डे जो गणतंत्र दिवस पर स्पेशल सीनियर डिवीजन मैनेजर की तरफ से ऑनरिंग आपका रहेगा, उसके लिए 6 होनी जरूरी है। आप यदि 2 और कर लेते हैं, भले ही आप एक ही आदमी की 2 करें, जैसे कि पैकेज भी होता है, मान लीजिए बच्चों का पैकेज होता है, हम इसका जॉइंट करके देते हैं, चिल्ड्रन मनी बैक और जीवन तरुण प्लान का पैकेज हम बना के देते हैं, मान लीजिए आप उस तरह का पैकेज भी बना के दें, या तो किन्हीं भी 2 प्लान्स का पैकेज बना के दें, तो उससे भी आपका हो सकता है। तो लेकिन वो जो प्रोग्राम रहेगा बहुत ही शानदार रहेगा, वहां पर होने के लिए हमें क्वालिफाई करना जरूरी है, गणतंत्र दिवस के लिए 6 पॉलिसी के लिए हमें क्वालिफाई करना जरूरी है, तो इसको भी आप भी क्वालिफाई करें, और बाकी के साथी भी जो भी मीटिंग में है, त्यागी जी का ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका है 3 पॉलिसी करके, त्यागी जी भी अपनी बैलेंस 3 पॉलिसी यदि करेंगे तो वहां पर बढ़िया रहेगा प्रोग्राम, इनविटेशन रहेगा, ट्रॉफी जो है SDM साहब के हाथों रहेगी। सो और कोई साथी कुछ और बताना चाहेंगे? आज का हमारा हेल्थ इंश्योरेंस वॉरियर का सर्टिफिकेट है 3 पॉलिसी पर, 22 जनवरी, आज का दिन 22 जनवरी है, तो हेल्थ इंश्योरेंस वॉरियर सर्टिफिकेट है हमारे। कई बार क्या होता है कि हम सेल करने की जल्दी के अंदर कस्टमर को बाकी चीजें बताना भूल जाते हैं, या तो हमें लगता है कि हम बाकी चीजें बताना लगेंगे तो कई कस्टमर का ध्यान भटक जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसके अंदर भी वो कुछ रुकावट ना करते, कुछ ऐसा ना हो कि वो पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, तो ये सब समस्या कभी कभी हमें महसूस होती है। लेकिन जैसे हर एक प्रोडक्ट का एक सेगमेंट है, हर एक कस्टमर का एक अलग माइंडसेट है, कई बार क्या होता है हमें लगता है कि अरे यार हम इसको पुराना वाला क्यों बताएं, ये तो कराएगा ही नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार क्या होता है जो चीज हम नहीं बता रहे होते हैं वो कर लेता है, जो बता रहे होते हैं वो नहीं करता है। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि हमने उसको कुछ और बताया, अच्छा बाद में हमको पता है कि हमने जो बताया वो उसने किया नहीं, उसने कोई और प्लान किसी और से परचेज कर लिया, फिर हम उसको पूछते हैं भाई साहब ये हमारे वाले में क्या गलती रह गई थी, भाई हमने आपको फलानी वाली चीज बताई थी आपने कुछ और करा दिया, नहीं भाई साहब वो दूसरे वालों ने जो बताया था ना वो अच्छा लगा मुझे। कौन सा कस्टमर, कौन सा प्लान, कौन सा कंसेप्ट, कौन सा आइडिया, कौन सी प्लानिंग को पसंद करेगा हमको नहीं पता है। कल भी मैंने एक वीडियो आपको भेजा था, 20 करोड़ रुपए का पॉलिसी बेचा एक एजेंट ने 1,000 करोड़ रुपए की कंपनी की मालकिन को, तो कितनी मुश्किल से उसने मॉर्निंग वॉक के दौरान अपॉइंटमेंट लिया। अब मनीष जी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो मॉर्निंग वॉक के दौरान में अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है सेल्स के लिए, और 20 करोड़ की पॉलिसी मॉर्निंग वॉक के दौरान अपॉइंटमेंट लेने के दौरान 20 करोड़ की पॉलिसी बिक गई। कल भी मैंने ये वाला वीडियो भेजा था, तो आप में से किसी ने देखा था क्या? अभी नहीं देखा था। कोई बात नहीं, मैंने ये वाला जो वीडियो भेजा था, मुझे लगता है शायद मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा था, यदि आप उसमें नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, आजकल वैसे भी व्हाट्सएप कंट्रोवर्सी के कारण ढेर सारे लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमारे साथ कपूर साहब जुड़ चुके हैं, कपूर साहब वेलकम, आप हमारे पास आखिरी के कुछ एक मिनटों के अंदर आए, आपका स्वागत है कपूर साहब, गुड मॉर्निंग। कुछ आप शेयर करना चाहेंगे कपूर साहब, कुछ बताना चाहेंगे?
शेयरिंग आप करना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे आपकी एक्टिविटीज के बारे में, क्या क्या मीटिंग हो रही है, कहाँ कहाँ बातचीत हो रही है, कौन कौन प्रोस्पेक्ट्स आपके क्या क्या बोल रहे हैं? नहीं, ठीक है, बढ़िया। सो हम अपना कंटिन्यू करते हैं, आगे का हमारे जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। एक तो हम हर एक कस्टमर को ना, ऐसा ना हो कि हमसे पहले कोई और बता के जाए, तो हम ध्यान रखें कि हमें अलग अलग प्लान, अलग अलग आइडियाज, अलग अलग कंसेप्ट उसको बताते रहने हैं। हमारे पास ऑलरेडी जो हेल्थ जो यूनिट लिंक का जो प्लान है, तो उसके अंदर अभी 3-4 दिन पहले भी हमारे प्रकाश रंजन जी ने एक यूनिट लिंक का प्लान उन्होंने जमा किया था, तो 500 रुपए का प्राइस है 2 यूलिप की पॉलिसियां करने पर। अभी हमारे पास आप में से कोई बता सकते हैं कितने तरीके के यूलिप प्लान है हमारे पास? 3 तरह के सर। 3 तरह के हैं, तो पहला हमारे पास न्यू एंडोमेंट प्लस है, दूसरा हमारे पास SIP है, तीसरा हमारे पास निवेश प्लस है। तो 3 तरीके के यूलिप के प्लान हमारे पास अवेलेबल हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा बिक रहा है या तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उस प्लान का नाम क्या है? SIP? नहीं, SIP मुझे नहीं लगता है कि बिक रहा है सबसे ज्यादा। यदि आपको पक्का बताएं तो आप मेरे को बताएं, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो सेल हो रही है निवेश प्लस की हो रही है। निवेश प्लस की क्यों सेल हो रही है? 5 साल के FD के तौर पर लोगों को लगता है 5 साल की FD है, मैं जब मर्जी निकाल लूंगा। अभी ये 3 दिन पहले भी तो हमने पॉलिसी नंबर लगाया था, तो इसके अंदर भी क्या था, टर्म उसके अंदर हमने 25 साल का रखा है। तो 25 का टर्म रखने का फायदा क्या है कि आप यदि टर्म 10 का रखेंगे और 10 साल बाद डिसाइड करेंगे कि चलो 1-2 साल में इसको और बढ़ा लेता हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप यदि 25 का टर्म रखेंगे और 25 वाली प्लान के अंदर आप डिसाइड करेंगे कि 10 साल के अंदर पैसा निकालना है, तो वो पॉसिबल है, और उसके अंदर पैसा उतना ही मिलता है जितना ओरिजिनली मिलने वाला था। ओरिजिनली यदि आप 10 साल का करते तो जितना मिलने वाला था, इसके अंदर कोई ऐसा कटिंग नहीं है, पहले से इसके अंदर ऐसा कुछ कट नहीं होता है। आप इसके अंदर विड्रॉल करते हैं तो आपका 1 रुपया कट नहीं होता है, तो इस वजह से ये वाला प्लान प्रीमेच्योर विड्रॉल के अंदर भी अच्छा रहता है। आप प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, गारंटीड एडिशन इसके अंदर होता रहता है 6%, 10%, 15%, 20%, 25% का, तो गारंटीड यूनिट्स आपको इसके अंदर मिलती रहती है। त्यागी जी गुड मॉर्निंग, त्यागी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैंने क्या ज्यादा सोने वाली बातें कर दी क्या? नींद ऐसा कुछ मैंने ऐसा सुलाने वाली बातें तो नहीं करी थी, वैसे मुझे लग रहा है शायद। खैर कोई बात नहीं भाई, सुबह की मीटिंग के अंदर आना जो है बहुत ही मुश्किल काम है, और फिर भी आप यहाँ पर त्यागी जी आए हैं और बाकी सभी साथी आए हैं, तो आपका सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग रविराज जी। गुड मॉर्निंग रविराज जी, कुछ कहना चाहेंगे? आज ठंड थोड़ा ज्यादा है सर। रविराज जी, ठंड कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ठंड होगा, कभी नहीं होगा। अरे वाह, क्या बात है, रविराज जी ने कमाल कर दिया। आज की मीटिंग में हम सभी लोगों में से अकेले रविराज जी टाई और कोट में आया, क्या बात है, रविराज जी के लिए जोरदार तालियां। मैं हरिराम जी के घर के पास में हूँ सर। अरे वाह भाई, हरिराम जी आपके पड़ोसी का बीमा करने वाले हैं, रविराज जी आपके पड़ोसी का बीमा करके ले जाने वाले हैं। ठीक है, अच्छी बात, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बढ़िया। देखिए अच्छी बात है, बढ़िया। सो आप अच्छे लग रहे हैं रविराज जी, आप बढ़िया लग रहे हैं, आप सुबह सुबह काम पर निकले हैं, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, और आप इसी तरीके से शानदार तरीके से बढ़िया पर्सनैलिटी के अंदर नजर आते रहें तो हमें अच्छा लगेगा। और कोई एक्टिविटी रविराज जी आप अपना शेयर करना चाहेंगे आपका, और कल किस किस से बातचीत हुआ, कल परसों पिछला जो भी एक्टिविटी आप यदि शेयर करना? कोई खास नहीं है सर। ठीक है, बढ़िया। तो हमारा आखिरी के कुछ 1 मिनट बचे हैं। एक तो हमारा यूनिट लिंक का 500 रुपए का प्राइस है, वो सब आप उसको जो क्वालिफाई कर लीजिए। हम लोगों ने एक टॉपिक कल हम कोशिश कर रहे थे उसको लेने की, आज भी हमारा टाइम होने वाला है, आखिरी का 1 मिनट है। तो जीवन उमंग प्लान के अंदर 15 से 100 साल के फाइनल एडिशन बोनस के रेट मैंने आपको कल भी एक बार फिर से भेजे थे। ये फाइनल एडिशन बोनस के रेट भेजने की जरूरत क्या है, और इनको जानने की जरूरत क्या है, और इनको बताने की जरूरत क्या है, आप में से कोई साथी बता सकते हैं? बिल्कुल जी, आपके खर्राटे आ रहे हैं हमारे पास। त्यागी जी को नींद आ रही है। त्यागी जी आपके खर्राटे हमारे पास आ रहे हैं। जी बताएं, आप में से कोई साथी बताना चाहेंगे? नहीं। सो ये वाला जो मैंने रेट आपको भेजे थे,
₹10 से लेकर और काफी ज्यादा रेट इसके अंदर अवेलेबल है। किसी भी प्लान के अंदर दो तरह के रेट, दो तरह के बोनस मिलते हैं। जैसे जीवन उमंग है, इसमें दो तरह के बोनस आपको मिलते हैं। इसके अंदर आपको एनुअल बोनस भी मिलता है और फाइनल बोनस भी मिलता है। आमतौर पे क्या है, ज्यादातर एजेंट मैंने देखा है 90% एजेंट कस्टमर को जाके बताते हैं एनुअल बोनस कितना मिलेगा, लेकिन हम ये बताना कई बार भूल जाते हैं कि सर इसके अंदर आपको ना या 15 साल कंप्लीट यदि पॉलिसी को कर लेंगे तो आपको फाइनल बोनस भी मिलेगा। और फाइनल बोनस भी एक बहुत ही सब्सटेंशियल अमाउंट होता है, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। तो यदि हम क्लाइंट को बताएं तो हमारा बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है, क्लाइंट को वो वाला प्लान बहुत ज्यादा पसंद आ सकता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने आपको रेट भेजे हैं, आप सभी को फाइनल एडिशन बोनस के जीवन उमंग के रेट मिले हैं कि नहीं मिले हैं? यदि मिल गए हैं तो हाँ जी मिले हैं आपको, ठीक है बढ़िया। तो आप इस रेट का इस्तेमाल करिए और ये वाले रेट आप जब कस्टमर को बताते हैं, जब आप कस्टमर को बताते हैं कि सर दो तरह के बोनस मिलेंगे, आपको दो तरह के बोनस मिलने वाले हैं, कस्टमर को क्या लगता है यार मेरे को पिछले वाले एजेंट ने सिर्फ एक ही तरीके का बोनस बताया था, ₹50 पर 1000, ₹40 पर 1000, ₹45 पर 1000, तो उसको ना कस्टमर को अच्छा लगता है यार ये वाला एजेंट बढ़िया है, ये मेरे को दो टाइप के बोनस दिलवा रहा है, पिछले वाले एजेंट ने मुझे एक ही टाइप का बोनस दिलवाया था, ये मेरे को दो टाइप के बोनस दिलवा रहे हैं। और जब हम उसको बोलते हैं कि भाई साहब ₹100 पर 1000, तो कस्टमर को लगता है यार ये वाला एजेंट बढ़िया है, यहाँ से बोनस भी ज्यादा मिल रहा है, ये बता भी अच्छा रहा है, तो हमारे सेल होने की संभावना बढ़ जाती है। सो इसके साथ हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, तो हम अपना टाइम को ज्यादा लंबा एक्सटेंड नहीं करेंगे, हम टाइम का बिल्कुल पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे, जो भी हमारा टाइम है उसके हिसाब से ही हम चलने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा आप ये ध्यान जरूर रखें कि कस्टमर को हमें बोनस का रेट पूरी तरीके से बताना है, जिससे कि हमारी सेल करने के अंदर आसानी। सो आप सभी यहाँ पर आए, आज के प्रोग्राम के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, आप में से कोई भी साथी अपना माइक को ऑन करके आप बोल सकते हैं। सर मेरे को एक चीज सब पूछना था, मैंने सुना है सिर्फ आज बहुतों को, आपको और लोगों को, मेरा तो यहाँ पे पसंद सवाल है ना, जैसे आप बोले थे ना कि उनका जो सो एडिशनल बोनस की आपने बात करी कि उसमें बताया जा करके, तो उसमें तो टर्म्स ज्यादा प्रीमियम पेइंग टर्म्स ज्यादा लगते हैं ना सर, ये बताना भी जरूरी होगा। प्रीमियम पेइंग टर्म पे नहीं रहता है, जो बोनस रहता है फाइनल एडिशन बोनस प्रीमियम पेइंग टर्म पे नहीं रहता है, टर्म पे रहता है। अच्छा, और जीवन उमंग के अंदर आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपका प्लान, आपका जो पॉलिसी है वो 100 साल की उम्र तक का है। इसका मतलब मान लीजिए आपने किसी के भी नाम से किया तो पॉलिसी का आपका बोनस बनता है 40 साल का, 45 साल का फाइनल एडिशन बोनस। आप, मेरा सुझाव यह है कि ये जो फाइनल एडिशन बोनस वाला जो चार्ट है आप इसको प्रिंट करा लीजिए, मैंने आपको व्हाट्सएप पर ग्रुप में भेजा है, आप इस चार्ट को प्रिंट करा लीजिए। आप कस्टमर को जब जीवन उमंग का प्लान बताएंगे, आप साथ में उसको ये भी बताइए सर ये या तो आप मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम ईमेल कहीं पर भी भेज दीजिए, या तो मैं आपके घर के सामने से गुजरूंगा आज, तो आप मेरे को अपने घर के बाहर पकड़ा दीजिएगा। फोटो कॉपी नहीं है ना, आप जो मांग रहे थे वो है नहीं, तो करवाना पड़ेगा घर के सामने, तो कभी भी दे देंगे आपको हम। आप फोटो खींच के मुझे भेज दीजिए, आप मेरे को अभी फोटो खींच के भेज देंगे तो मैं उसको प्रिंट करके लगा दूंगा, मैं सेल्स डिपार्टमेंट में दे दूंगा, डिवीजन ऑफिस भिजवा दूंगा पेपर आपके, ठीक है? जी जी सर, जी सर, जी ठीक है। और कोई साथी कुछ कहना चाहेंगे, हम जो है आज का मीटिंग हम क्लोज करें इसके पहले, और कोई साथी कुछ बोलना चाहेंगे, आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको, क्या क्या अच्छा लगा? ओके, सो हम लोग आज के लिए कुछ करते हैं और कल सुबह दोबारा से मिलेंगे। विश ऑल द बेस्ट, आपने यहाँ पर आए, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया आपने, इतने बढ़िया बढ़िया बातों के बारे में आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा। विश ऑल द बेस्ट, आपका रोज का पॉलिसी सेल होए और आपको हर कोई आपसे पॉलिसी कराए, ऐसी ही भगवान से प्रार्थना है, एंड विश ऑल द बेस्ट, सी यू, बाय। बहुत बहुत थैंक यू सर, वेलकम वेलकम वेलकम।